हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मैं डॉक्टर ममता जगन्नाथ जी राठी आप सभी के सामने। आज मैं बात करूंगी कोविड-19 सजा या अवसर। दोस्तों, कोरोना की महामारी को देखते हुए भारत में 17 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इसके लिए देशवासियों से माफी भी मांग ली है। इस कदम से सरकार के नीति निर्धारण में पारदर्शिता का पता चलता है। इससे देशी विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिल सकेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनौतीपूर्ण समय को भारत के लिए एक अवसर में बदला जा सकता है। भारत एक बहुत ही आकर्षक बाजार है और ये सही है कि हमारे सामने यह व्यवधान है, लेकिन यह व्यवधान पूरी दुनिया में है और भारत कोई अपवाद नहीं। वास्तव में मुझे लगता है कि यह संकट भारत के लिए एक अवसर बनकर आया है। लॉकडाउन में ठहर सी गई है हर जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म होने का कोई चांस नहीं लग रहा। शहरों से निकलकर कोरोना देश के गांवों और झुग्गी झोपड़ियों में फैलने लगा है। लॉकडाउन में हर किसी की जिंदगी थम गई है, क्योंकि नया कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, उद्योग और व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि कोरोना नामक इस महामारी को हम सब सजा के तौर पर देखें या इसे आज अवसर के हिसाब से नापा जाए। कोविड-19 बीमारी तो लाया है, लेकिन आज इस वायरस ने अपनेपन को ताकत दी है। लेकिन क्या ये लॉकडाउन सचमुच आपका कोई नुकसान कर रहा है? आज सोशल मीडिया पर लोग बिन झिझक अपने वक्तव्य डालते हैं। अपने वक्तव्य जिनमें कोई बुनियाद नहीं, ये बिल्कुल ही तकलादू होते हैं। दोस्तों, मेरा ये भी कहना नहीं कि लॉकडाउन सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन हाँ, जो लोग आज घरों में आराम से बैठकर सोशल मीडिया पर ज्ञान देते फिरते हैं, मुझे उन प्रवृत्तियों पर तरस आता है। दोस्तों, हम धोखे में थे। हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन अब हमें पता चला कि अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए तो अर्थ खुद को बहुत तेजी से हील करती है। हम धोखे में थे कि हम जंक फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। सारे जंक फूड रेस्टोरेंट बंद थे और दुनिया अब भी चल रही है। हम धोखे में थे कि हम घर से काम नहीं कर सकते, हमारी मीडिया बहुत समझदार है। हम धोखे में थे कि हमारे क्रिकेट स्टार्स, हमारे फिल्म स्टार्स असली हीरो है, लेकिन अब पता चला कि ये तो बस एंटरटेनर्स है। हम धोखे में थे कि कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई प्रीस्ट किसी बीमार इंसान की जान बचा सकता है। हम धोखे में थे कि तेल बहुत कीमती चीज होती है। अब हमें पता चला कि हमारे बिना तेल की कोई कीमत ही नहीं है। हम चिड़ियाघरों के जानवर को देखकर खुश होते हैं। आज जब हम पिंजरे में बंद हुए तब पता चला कि उन जानवरों को कैसा लगता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी। शॉपिंग मॉल्स तो बंद थे, लेकिन दुनिया अब भी चल रही है। आज महंगे ब्रांड्स नहीं है, लेकिन दुनिया अब भी चल रही है। हम छुट्टियां मनाने बाहर नहीं जा रहे थे। हम देर रात तक चाय की होटल्स पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे और दुनिया तब भी चल रही है। जो फर्क पड़ा है वह दिखावे की दुनियादारी को पड़ा है। असली जिंदगी तो अब चमक उठी है, अब उभर रही है। फिजूल खर्चे बंद हो रहे हैं और हम अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फूल अब भी खिल रहे हैं, नदियां अब भी बह रही हैं, बल्कि पहले से ज्यादा साफ होकर बह रही हैं। गाय अब भी दूध दे रही है, मुर्गियां अब भी अंडे दे रही हैं, खेतों में सब्जियां अब भी उग रही हैं और आपके घर तक यह सब चीजें पहुंच रही हैं। हमें पता चल गया दोस्तों कि हम धोखे में थे। कोविड-19 और लॉकडाउन आज कई ऐसी चीजें लेकर हमारे सामने आया है जिसे हम पिछले कुछ सालों से भूल गए थे। जिंदगी का सही मकसद हम भूल गए थे। लॉकडाउन की समस्या गंभीर तो है दोस्तों,
लेकिन लॉकडाउन हमारे लिए सजा कतई नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ ये लॉकडाउन हमारे लिए चुनौती बनकर हमारे सामने अवसर के दरवाजे खोलकर लाया है। पारिवारिक एकता, अपनापन, परोपकार, बुजुर्गों की उलझन, ऐसी कई चीजें जो हम भूल रहे थे, जिन्हें हम पीछे छोड़ रहे थे, आज लॉकडाउन ने हमें लौटाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस लॉकडाउन की, जिसने सही मायने में जिंदगी का खजाना हमारे सामने खोल दिया है। आइए हम जानते हैं कुछ खास बातें जो इस लॉकडाउन में सजा नहीं बल्कि हमारी समृद्धि लेकर आया है। सबसे पहले तो वक्त से पहले शुरू हो गई है छुट्टियां। ये छुट्टियां बच्चों के लिए गर्मियों के पहले शुरू हुए मानसून जैसी है। हालांकि कुछ माएं इन छुट्टियों से ज्यादा खुश नहीं है, जबकि कुछ वर्किंग महिलाएं इसे एक लंबे वीकेंड की तौर पर ले रही है। कई परिवार इस लॉकडाउन का इस्तेमाल परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और आपसी रिश्ते मजबूत करने में कर रहे हैं। मेरी भी दो छोटी बेटियां हैं, मैं भी एक वर्किंग वुमन हूं, लेकिन आज मेरी बेटियों का साथ मुझे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा है। हाइजीन और अनुशासन। आज हम महिलाएं इस बात से खुश हैं कि हमारे बच्चे इस दौरान हाइजीन के बारे में जागरूक हो रहे हैं और ज्यादा अनुशासित बन रहे हैं। जिस बात के लिए माँ सालों से परेशान थी, कोरोना आज उस उलझन को पल में सुलझा गया है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहे हैं बच्चे। आज हर घर खुश है कि उनके बच्चे अपने दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों से हर रोज बात कर पाते हैं। पर्याप्त वक्त के कारण आज हम अब वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे हम इतने वक्त से मिस कर रहे थे। आमतौर पर बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों या पोते पोतियों से बात करने के लिए तरस जाते हैं। आज के दौर में कितने बच्चों के पास टाइम है कि वे रोज अपने दादा दादी या नाना नानी से बात कर पाए। आज लॉकडाउन से ये संभव है। आज जो हमसे दूर, हमारे देश से दूर हमारे बच्चे थे, लॉकडाउन की वजह से आज हमारे देश विदेशों के बच्चे आज हमारे पास, हमारे घर के पास है। घर के सात्विक खाने की अहमियत समझ रहे बच्चे। आज सारे होटल्स बंद हैं, सारे फास्ट फूड के ठेके खाली हैं। आज बच्चे समझ रहे हैं घर के खाने का स्वाद और घर के खाने की अहमियत। आज कई माएं खुश है क्योंकि उनके बच्चे अब पैसे की कीमत को समझ रहे हैं। हमने मेड्स को छुट्टी दे रखी है। आज हम घर पर खाना बनाते हैं और हम खुश हैं, हमारे बच्चे भी आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। क्रिएटिविटी को लगे पंख। आज बच्चों की क्रिएटिविटी को जैसे पंख लग गए हैं। आज हमारी बेटियां घर पर नए पकवान बनाना सीख रही हैं। छोटी छोटी लड़कियां अपनी बार्बी डॉल्स के लिए खुद कपड़े सिलना सीख रही हैं। कई महिलाएं किचन में प्रयोग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शौक फिर से जिंदा किए हैं। जितने बच्चों से हमने बात की है उनमें से ज्यादातर को इस लॉकडाउन में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ने असलियत में परिवारों को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। रामायण और महाभारत की पहचान। लॉकडाउन में शुरू हुए टीवी सीरियल्स रामायण और महाभारत जैसे हमारे प्राचीन इतिहास से हम फिर से जुड़ गए हैं। आज हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से रूबरू हो रहे हैं। राम सीता, लवकुश की कहानियां धर्म और अधर्म के अंतर को परख रहे हैं। इन सीरियल्स के प्रभाव से आज सभी फिर से शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। मनोरंजन के साथ ही हम बिना कुछ किए हमारे बच्चों को शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। आईटी कर्मचारियों के लिए अवसर। आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन ने यह आईटी कंपनियां और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए बड़ा अवसर दिया है। बैंकिंग, शिक्षण, ई कॉमर्स से लेकर तमाम तरह की सेवाएं देने वाली कंपनियों को ऑनलाइन सर्विस का महत्व समझ में आ गया है। इसीलिए कई कंपनियां जरूरत के अनुसार इस क्षेत्र में अपने आप को विकसित कर रही हैं। सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी इस लॉकडाउन ने कई अवसर खोल दिए हैं। मैं भी एक कामकाजी महिला हूँ। मैं अपने बच्चों और अपने काम के शेड्यूल के बीच में बुरी तरह से उलझ गई हूँ और मुझे घर संभालने के लिए एक फुल टाइम मेड को रखना पड़ता है।
आज वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं अपने काम और अपनी बेटियां दोनों पर अपना मन केंद्रित कर सकती हूँ। आज मेरी बेटियां साथ हैं और इस दौर में मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पा रही हूँ और मैं अपने काम में ज्यादा क्रिएटिविटी भी ला रही हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटियों की परवरिश की मूलभूत परेशानी आज मेरे काम के आड़े नहीं आती और इस वजह से मैं बड़े उत्साह के साथ मेरे काम को कर पाती हूँ। डिजिटल होने की सही राह पर आज हम देख रहे हैं कि कॉलेजों ने छात्रों के लिए ऑनलाइन स्टडी क्लास शुरू कर दी है। कई स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन एप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षक अपने काम जूम, वेबएक्स जैसे ऐप से ऑनलाइन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स घर बैठे हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें डिजिटल होने में कारागार साबित हो रहा है। जिंदगी की सही पहचान। दोस्तों, आज लगभग 1.5 महीना हो गया है हम घर पर हैं। ना कोई पार्टी, ना कोई मूवी, ना कोई शॉपिंग, ना कोई लॉन्ग ड्राइव। आज ये सब नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। हमारे फिजूल खर्चों के आंकड़े आज हम ही देखकर चौंक रहे हैं। आज हम घरों में हैं तो पर्यावरण कितना साफ सुथरा है। पशु, पक्षी, पेड़, नदियाँ मानो आज खुलकर सांस ले रहे हैं। आज हमारी मूर्खता पर हमें ही आश्चर्य हो रहा है। आज कोई दिखावा नहीं है। लॉकडाउन हमें जिंदगी की जरूरत बता रहा है। कोरोना हमें जीना सिखा रहा है। जो सुबह बिना मुंह धोए चाय का फरमान रख दिया करते थे, वो अब हर 30 मिनट बाद हाथ धोते नजर आ रहे हैं। हाइजीन का ये आलम है देश में कि सैनिटाइजर और हैंड वॉश की लत सी लग चली है। बात बात पर गुटखा चबाने वालों की तलब निष्क्रिय हो चली है। यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ थूक देने वाले अब निगल निगल कर जी रहे हैं। कोरोना, तूने सच में लोगों को जीना सिखा दिया है। इस कोरोना नामक वायरस ने हमें असली औकात दिखा दी है। तूने बड़े बड़े लोगों को हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करना सिखा दिया है। इंसानियत को इंसानियत सिखा दी है। जो फ्लाइट पर फ्लाइट लिया करते थे, जो ओजोन की चादर पर छेद किया करते थे, वही लोग आज आइसोल्यूशन वार्ड की हवा खा रहे हैं। बाजार बंद होने पर आज अनाज का मोल बता दिया है। कोरोना, तूने हमें जीना सिखा दिया है। कोरोना, तू निकल लेना किसी तरह, लेकिन अपना खौफ जरूर छोड़ जाना, क्योंकि तूने इंसानियत फिर से जिंदा कर दी है। कोरोना, तूने सच में जीना सिखा दिया है। दोस्तों, बहुत कुछ है बताने के लिए, बस लॉकडाउन हमें जीना सिखा रहा है। इस लॉकडाउन में सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें और इस कोविड-19 की समस्या को हम जल्द से जल्द विदा दे सके, यही प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, फिर मुस्कुराएगा भारत, फिर जीत जाएगा भारत। जय हिंद।